थैंक यू। हर समय नया नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, आज आपने इंटरनेशनल लेवल में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। इंडो रशिया ऑलरेडी हमारी बहुत ही अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप है, आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए। खास करके कार्यालय ओपन हुआ है उसके लिए डॉन सिनेमा का एक तो था ही, दूसरा बड़ा भव्य फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, यहाँ आपने जिस तरीके से आप लोग हमेशा हिम्मत दिलाते हैं, आप लोगों की हिम्मत है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉन सिनेमा ने डॉन सिनेमा बनने से पहले पैनन कैमरा था, और पैनन कैमरा में हमने एक फिल्म बनाई थी इंडो रशियन जॉइंट वेंचर की, आफ्टर 20 ईयर्स बेस्ट फ्रेंड, और वो फिल्म हमने रशिया में कंप्लीट की, और सारी चीज़ें होने के बाद में हमें उसी वक्त लगा था कि आधान और प्रधान जब भी एक दूसरे के कल्चर का होता है तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस एक दूसरे कंट्री के लिए ज़्यादा होते हैं। और रशिया में जब मुझे मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, 4 साल गुजारे हैं रशियन पार्टनरों के साथ में, मैंने कई रशियन फिल्म रिलीज़ की है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि एक इंटरनेशनल आज डॉन सिनेमा रशिया भी हमारी फ्रेंचाइजीज हमने दी, तो हमें लगा कि हम रशिया और इंडिया के साथ मिलके कल्चरल लेवल पर आर्ट लेवल पर काफ़ी काम कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस की शुरुआत की, इस स्कूल की शुरुआत की। सेकंड ऑफिस आप भाई लोगों की दुआओं से जो ऑफिस था मेरा पहला, वहाँ पे इतने सारे लोग मजमा नहीं आ सकता था, ज़रूरत थी एक बड़ी ऑफिस की, जैसे जैसे सक्सेस होती है लोगों के आने की और लोगों के बिजनेस की काफ़ी उम्मीदें बढ़ती है, तो हमने ये बड़ा ऑफिस लिया है, और नज़दीक इसलिए लिया है कि वो ऑफिस और ये ऑफिस मिलके काम करें। सर लैंग्वेज क्या रहेगी, जिस तरीके से रशिया और इंडियन है तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी? आर्ट के कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सो देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ आर्ट, आर्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है, और कई बार हमने देखा है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो अपने आर्ट के जरिए एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो हम इस चीज़ में भरोसा ही नहीं करते हैं कि हम किसी लैंग्वेज के मोहताज हैं, जहाँ वे है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हम लोगों ने वो सिस्टम को डाउन करने के लिए जो रशियंस रशिया से आते हैं और इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हम उनको लैंग्वेज देंगे, और जो इंडियंस रशिया जाके काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सब लोग लंदन अमेरिका भागते हैं क्योंकि लैंग्वेज ईजी होती है, लोग रशिया और यूरोप का साइड नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो वील गिव लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए काम शुरू किया हम लोगों ने। Yes, language of music, yes. Language of dance, a language of arts is the same, international. International. Yeah. So, yeah. Ma'am, what would you like to say about this program? Yeah, it was our dream actually to get this school done, because I was, how I mentioned before also, that method of acting, the father of method of acting is a Russian Stanislavski, how you all know, and Mikhail Chekhov, who taught biomechanics. So I was thinking, why we don't have Indo-Russian school here in India? Why we are not teaching Russian method of acting? And many Indian actors also, they got Russian education in acting, not only in acting, but in art. So we had this idea, why not? And plus, we did our school little wider, the perspective of our school little wider, so we will not teach only acting, we will do some activities in exchanging of culture, and we will send our students, fortunately we will be able to send them to Russia to see, get experience in Russian film industry, and we will bring Russian students here also, as we have a production in Don Cinema, so we can give them chance to join the Bollywood and join the some dream, because Russians, they love Bollywood. Maybe in the world, Russia is the only country where local people, they're mad about the Indian movie, about the Bollywood. So why not? We can achieve such a big dream, and we can make it closer to each other. So for them also, it will be not so far, and for us also, it will be big opportunity. Mm-hmm. Ma'am, when are you going to start the school? Batches wise, you are going to start? How are we going to start this? Actually, we were for a academic education, we need at least 4 years, you all know, it should be diploma in acting, but we are not ready right now to go for a 4 years, we are going for 6 months, and we will
we have some idea. First batch April से हम लोग करा रहे हैं first batch और दूसरा जितना हमको काउंसलर जनरल से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी काउंसलर में आप जाए तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होते हैं हमने रशियन काउंसलेट को रिक्वेस्ट की थी कि वी वांट टू शूट इनसाइड द काउंसलेट एंड दे आर शॉक्ड बट दे अलाउड अस हम अंदर जाके शूट किए और हम उधर बैठ के कुर्सियों पर ऐसे फ़ोटो निकाल रहे थे जैसे फ़ोटो शूट करने आए हुए तो ये एक होता है कि एक दूसरे पर भरोसा हुआ जो भी काउंसलेट होती है बहुत भरोसे के साथ अपनी काउंसिल को चलाती है लेकिन इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड सारे ब्रेक करके हमें अलाउ किया था इनसाइड द काउंसिल शूट करने के लिए और वो चीज़ मुझे इंस्पायर की थी कि जब हम एक दूसरे के लिए इतने खुले दिल से करते हैं तो हम कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं दूसरे के साथ मैं तो सर ये भी जानना चाहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डॉन सिनेमा काम कर रहा है बंगाली हो पंजाबी हो और अब रशियन लैंग्वेज में भी काम करने जा रहा है और क्या क्या लेके आने वाले हैं इसके नहीं मैंने जब डॉन सिनेमा शुरू किया था तो मेरे लिए एक ही चैलेंज था कि डॉन हम उनसे आने से पहले सारे नेटफ्लिक्स का राज था और डिज्नी का राज था और जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो हमको टेढ़ी आंखों से देखते थे हमको ऐसा लगता था कि अगर उनके अंदर किसी को घुसना है तो वो शाहरुख खान होना चाहिए और यशराज होना चाहिए तो जो बहुत बड़ी तादाद में फिल्म मेकिंग होती है वो यशराज और करण जौहर के अलावा बाहर से होती है तो उन लोगों को ऐसे निगलेक्ट किया जाता है तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो मैंने पहले सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म्स को जमा करना शुरू किया ईरानी फिल्म रशियन फिल्म अमेरिकन हांगकॉन्ग ताइवान सब फिल्मों को जमा करके मैंने एक डॉन सिनेमा का किया था इंटरनेशनली फिर मैंने बॉलीवुड को जमा किया फिर रीजनल क्योंकि जब तक आप हिंदुस्तान के कोने कोने तक नहीं जा सकते जब तक रीजनल सपोर्ट नहीं मांगता तो मैंने रीजनल सपोर्ट लेकर अभी हमने कुछ दिन पहले डॉन सिनेमा बांग्ला शुरू किया उससे पहले डॉन सिनेमा पंजाबी शुरू किया था उससे पहले डॉन सिनेमा मराठी तो हम लोग लैंग्वेज वाइज जा रहे हैं ताकि हर इंसान को लगे डॉन सिनेमा मेरा अपना है जैसे हमें अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज से मोहब्बत है वैसे ही इंटरनेशनली में जब हम जाते हैं काम करने जाते हैं तो दे ऑल्सो लव देयर लैंग्वेज तो हमने डॉन सिनेमा को लैंग्वेज बैरियर तोड़ने के लिए जितना वर्ल्ड सिनेमा हमारे पास में है उतना ही बॉलीवुड है उतना ही हमारे पास रीजनल है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटायर लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे जैसे डॉन सिनेमा बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रही है नहीं दर्द तो काफ़ी हो रही है और मुझे खुशी उस दर्द का एहसास जब जब होता है मुझे ऐसा लगता है मैं कामयाब हूँ और उस दर्द का एहसास होते रहना चाहिए ताकि आपको लगे कि आप जिंदा हो जब तक आपके बारे में लोग कहने वाले नहीं होंगे दैट मींस यू आर नॉट अलाइव यू आर नॉट सक्सेस मैम जी जैसे कि आप बहुत ही इंटरनेशनल लेवल में आप एक बायलैटरल रिलेशनशिप आप कर रहे हैं दो देशों के बीच में संबंध सुधारने के लिए एक सबसे बड़ा ये है तो क्या आपके आगे की क्या प्लानिंग है